वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर इंडियन ट्रैवलर। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे अगर आप हिमाचल प्रदेश में एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं तो आपको वहां का ई पास कैसे बनवाना है। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें आगे इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे टाइप करना है covidregistration.hp.gov.in। ओके, अदरवाइज आप सिंपली टाइप कर सकते हैं ई पास फॉर HP और ई पास फॉर हिमाचल प्रदेश। तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको देखो पहला ऑप्शन है कोविड रजिस्ट्रेशन। जैसे आप कोविड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने रिक्वेस्टेड टाइप है। तो रिक्वेस्टेड टाइप आपने देखो कमिंग टू हिमाचल प्रदेश, एक तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं, और एक दूसरा है गोइंग आउट एंड कमिंग बैक टू HP विद इन 72 आवर, ये तो नहीं है। और उसके बाद दूसरा है कमिंग इनटू है HP एंड गोइंग बैक विद इन 72 आवर्स। तो एक ऑप्शन आप इसको चूज़ कर सकते हैं, आप हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं 72 घंटों में वापस चले जाएंगे। और एक कमिंग टू हिमाचल प्रदेश, अगर आप ज़्यादा दिनों तक रुकने वाले हैं 4-5 दिन हफ्ता, तो कमिंग टू हिमाचल प्रदेश कर लेना। तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ कमिंग इनटू हिमाचल प्रदेश। ओके, उसके बाद नीचे देखिए आपको है ट्रैवलिंग फ्रॉम स्टेट, आपको यहाँ से चूज़ करनी है। मैं यहाँ पे दिल्ली डाल लेता हूँ। ओके, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम सेंट्रल दिल्ली। ओके, उसके बाद आपको अपना फुल एड्रेस यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद ट्रैवलिंग टू, ट्रैवलिंग आप कहाँ पे जा रहे हैं, मैं कुल्लू मनाली जा रहा हूँ, मैं वहाँ मनाली पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है सबसे पहले, तो यहाँ से मैं कुल्लू चूज़ कर लूँगा। उसके बाद तहसील, आप देखेंगे तहसील में मैं यहाँ पर मनाली। ओके, एंड ब्लॉक टाउन, ब्लॉक टाउन में यहाँ से कुल्लू। ओके, उसके बाद नीचे देखिए पंचायत वार्ड, पंचायत वार्ड अगर आपको मालूम है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसमें मोटा मोटा डाल सकते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे फुल एड्रेस, हाउस नंबर, स्ट्रीट, लैंडमार्क, विलेज नेम, ETC। तो यहाँ पे देखो आपने क्या डालना है, अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं हाउस नंबर जो भी है, होटल पे रुक रहे हैं होटल की डिटेल, या जहाँ पे भी आप रुकने वाले हैं ना, तो वहाँ की आप डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, धर्मशाला वर्मशाला जो भी है, मतलब आप डिटेल यहाँ पे डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए पर्पज़ ऑफ विजिट, तो यहाँ पे कैटेगरी आपने चूज़ करनी है। मैं टूरिस्ट के लिए बता रहा था, तो यहाँ पे टूरिस्ट आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी बहुत सारे ऑप्शन हैं, सप्लायर, फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑफिशियल, मेडिकल पर्पज़, ट्रेड, अदर्स। ओके, तो अभी हम टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टूरिस्ट आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके नीचे देखें नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन डिटेल। एप्लीकेशन डिटेल में क्या करना है, आपको अपना नेम डालना है। ओके, उसके बाद आपने मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपको बहुत ध्यान से डालना है, क्योंकि इसी पे आपका ये मतलब लास्ट में आपकी इसमें एक लिंक आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, और उसी में आपका ई पास होगा। और देखिए इसमें देखिए रिलेशन, रिलेशन आपने चूज़ करना है इसमें, जैसे सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ। ओके, तो मैं यहाँ पे सन ऑफ कर लेता हूँ, यहाँ पे आपके फादर्स का नेम आपने डालना है। ओके, नेक्स्ट नीचे गवर्नमेंट आईडी टाइप, तो यहाँ से चूज़ करनी है, जैसे मैं वोटर कार्ड, आधार कार्ड जो भी है, मैं यहाँ पे सिंपल आधार कार्ड कर लेता हूँ। गवर्नमेंट आईडी नंबर, वही आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दूंगा। अपलोड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, तो यहाँ से मैं अपनी आईडी प्रूफ अपलोड कर लूँगा। ये मैं डेस्कटॉप से कर रहा हूँ, आप इसको मोबाइल फ़ोन से भी बड़ी ईजिली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और नीचे देखिए आर यू वैक्सीनेटेड डबल डोज, तो यहाँ से येस या नो आपको चूज़ करनी है। आपने दोनों डोज लगा दी हैं, तो मैंने तो लगा दिए, तो येस। ओके, फिर यहाँ से आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, जो आरोग्य सेतु ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपने अपलोड कर लेनी है। नेक्स्ट नीचे आप देखिए अदर्स डिटेल, अदर्स डिटेल में व्हीकल टाइप, तो यहाँ से आपने चूज़ करनी है आप किस में जा रहे हैं। जैसे मैं टू व्हीलर, प्राइवेट व्हीकल, टैक्सी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अदर व्हीकल, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी टू व्हीलर में जा रहा हूँ, तो मैं टू व्हीलर चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन है इंट्री डेट, तो आज है 23 और मैं जाने वाला हूँ 28 को, तो मैं 28 की डेट यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए एडिशनल पर्सन, तो अगर आपके साथ कोई और जा रहा है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो गोइंग अलोन कर ले सकते हैं। जैसे अगर आप दो तीन बंदे जा रहे हैं, दो बंदे जा रहे हैं, जैसे मैं दो बंदे जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा नीचे, और वहाँ पे आपको दो बंदों की डिटेल डालनी पड़ेगी। ओके, और बगल में एक ऑप्शन है ट्रैवलिंग विथ फैमिली या अदर्स, अगर आप फ्रेंड व्रेंड के साथ जा रहे हैं, किसी और के साथ जा रहे हैं, तो अदर्स, तो उनकी डिटेल इस तरह से भरनी पड़ेगी आपको, नेम, मोबाइल नंबर, आईडी एंड तहसील वहसील, ब्लॉक। तो सिंपल है वैसे काफ़ी। ओके, अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपके सामने दूसरा फॉर्म इस तरह का ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आपको साली पर्सन नेम डालना है, वैक्सीनेशन स्टेटस डालना है, बस सिंपल। ओके, तो मैं यहाँ पे अलोन चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अकेले जा रहा हूँ।
ओके गोइंग अलोन। फिर नीचे देखिए नीचे कैप्चा है, इसको आपने डालना है ठीक है, जैसे 5395। ओके इसको डालने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन आ गया। देखो डिक्लेरेशन में क्या है कि मतलब जो भी हमने इसमें अपनी इंफॉर्मेशन भरी है वो सही है गलत नहीं है इस तरह का है। ओके उसके बाद आपने हैवी डाउनलोड है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड आरोग्य सेतु अगर आपने डाउनलोड कर लिए तो ओके, नहीं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ओके, इस लिंक पर क्लिक करने के बस, बाकी कुछ नहीं, सिंपल सा है, काफ़ी सिंपल ऐप है मत, और ये क्या बोलते हैं फॉर्म भी काफ़ी इजी है तो आप इजीली इसको भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए रजिस्टर्ड, जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके फ़ोन पे एक SMS आएगा ओके, और उसी में एक लिंक आपको आएगा, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और वहीं से आपने अपना ई पास डाउनलोड करना है। अगर आपका ई पास अप्रूव हो गया तब भी आपको मैसेज आएगा, अगर आपका ई पास अप्रूव नहीं होगा तब भी आपको मैसेज आएगा ओके, तो आप उसमें देख सकते हैं। अगर नहीं अप्रूव होता है, अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन भरी हो ये वो या कोई दिक्कत हो गई हो वहाँ पे तो आपका अप्रूव नहीं होगा तब भी आपको मैसेज आएगा, वो बता देंगे नॉट अप्रूव्ड। अगर अप्रूव्ड हो गया तो लिंक आएगा और वहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे इजीली, और उसको आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले ले प्रिंट आउट जैसे भी आप कैरी कर सकते हैं ओके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।